पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ कल से मुल्क गीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान के सिरे सदारत इजलास में अहम फैसले। फवाद चौधरी का कहना था इमरान खान 3 हफ्ते के बाद तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को बड़ा एहतजाज होगा। पीटीआई ने टेक्नोक्रेट हुकूमत को यकसर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कोई नया तजुर्बा करने की बजाय आईन पर अमल किया जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। कहा इस्तीफे तो इज्तिमाई तौर पर ही देंगे, स्पीकर कौमी असेंबली बहाने ना बनाएं और इस्तीफे कबूल करें। सुप्रीम कोर्ट बताए इस मसले का क्या हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा सच कर दिखाया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए स्पीकर के पास जा पहुंचे अरकान ने वाज़े किया किसी सूरत ऐवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। असद कैसर कहते हैं कवायद के मुताबिक इस्तीफे दे चुके हैं, कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर से पूछा क्या 11 MNA आपके पास आए थे, राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था, इस्तीफों को गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। कासिम सूरी बोले इलेक्शन की आवाज़ सुनते ही ये डर जाते हैं, ये 75% पाकिस्तानियों की आवाज़ है। इज्तमाई इस्तीफे मंजूर नहीं, एक एक करके आएं, इस्तीफों की तस्दीक कराएं, स्पीकर का इसरार। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइन में लिखा है इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। कुछ अरकान अदालत चले गए, वहाँ कहा दबाव में आकर इस्तीफा दिया था, मुझसे इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए राबता किया। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कल बुलाए गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी को रोकने के लिए अहम इजलास बुलाया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाकयात की वजूहात से बहस आएंगी। कालादम TTP से मुजाकरात, माजी के माहदों पर अमल दरामद पर बात होगी। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग, 3 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहादा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुलरहमान शामिल। 2 दहशतगर्द हलाक हुए, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस थे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बोलने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। बोल न्यूज ने मुजफ्फराबाद के करीब पीर चनासी में बर्फबारी के बायस सयाहों की 30 गाड़ियां फंसने की खबर नशर की तो इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान की बोल न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा 200 से 250 अफराद फंसे हैं, फंसे हुए अफराद को करीबी होटलों में मुंतकल कर दिया गया है। घटाएं बरस पड़ी, जाड़े ने धूम मचा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बर्फ के गाले गिरने से मनाजिर दिलफरेब हो गए। मलका कौसार मरी में सयाहों का रक्स, गलियात नतिया गली और वादी नीलम में भी सयाहों का रश। अताबाद झील समेत कई झीलें जम गईं, सयाहों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची में आज रात से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। इतिहादी हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को नए साल का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा। चीनी 19 रुपए, घी फी किलो कीमत में 75 रुपए का इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक यकम जनवरी से होगा। कराची टेस्ट न्यूजीलैंड की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। कीवीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए कौमी टीम को 97 रन दरकार हैं। 4th दिन खेल के इख्तिताम पर बाबर 11 ने 2 विकेटें गंवाकर 77 रन बना लिए। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स 9 विकेटों पर 612 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। इब्रार अहमद ने 5 और नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। हेडलाइंस आपने मुलायजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा।
सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।